अल्लाम आई डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप खैरियत आपने सिंगल एंट्री पढ़ना शुरू की थी कैसी लगी आसान यकीन अभी तो हमने कुछ मुश्किल किया ही नहीं उसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको पिछली बातें याद दिलाता हूँ और मुझे याद है अच्छी तरह के लास्ट लेक्चर में हमने एक सस्पेंस पर आकर बात ख़त्म की थी तो बहरहाल पहले पिछली बातें हमने सिंगल एंट्री में सबसे पहली बात ये सीखी थी कि ये स्मॉल बिजनेस एंटिटीज के लिए अकाउंटिंग सिस्टम है स्पेशली ये वो एंटिटीज होती हैं जो कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द सो मैनी रीजन्स जिनमें से एक रीज़न उसकी लैक ऑफ रिसोर्स होती है उनके पास इतने रिसोर्सिस नहीं होते कि वो एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को अफोर्ड कर सकें एक अकाउंटेंट को अफोर्ड कर सकें कोई उनके पास ऐसी स्पेस नहीं होती क्योंकि एक बहुत छोटी बिजनेस एंटिटी है जो कि बहर हाल अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जानना चाहती है जिसमें कि प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि प्रॉफिट का मालूम होना एक अहम रिजल्ट है और उसके बाद फिर फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि उसकी बैलेंस शीट का मालूम होना जरूरी है तो अब डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में चूंकि बाकायदा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे उन पर बेस करते हुए हम अल्टीमेटली ये रिपोर्ट्स बना लिया करते थे लेकिन अब एक छोटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि बाकायदा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं कर रही उसके प्रॉफिट्स और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे मालूम की जाए ये हम सीख रहे हैं इसमें मैंने आपको याद करवाया था आपने पहले जो बैलेंस शीट के अंदर ओनर्स इक्विटी की इक्वेशन बनाई हुई थी उसको यानी कि उस ओनर्स इक्विटी की इक्वेशन में आपने देखा था कि ओपनिंग कैपिटल में आप फ्रेश कैपिटल प्लस करते थे नेट प्रॉफिट प्लस करते थे और ड्राइंग्स को लेस करके आप क्लोजिंग कैपिटल यानी कि क्लोजिंग ओनर्स इक्विटी तक पहुंचते थे इस इक्वेशन का सहारा लेते हुए हमने नेट प्रॉफिट की फिगर को कैलकुलेट करना सीखा था लास्ट लेक्चर में हमने इसको अदरवे राउंड लेकर आए थे यानी कि नेट प्रॉफिट को इक्वेशन की एक साइड पर ले आए थे और बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन इक्वेशन की दूसरी साइड पर आ गए थे और उस इक्वेशन को हमने सिस्टमेटिकली जब फॉर्मेट किया तो दैट वाज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऐसा ही है ना तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट की या लॉस की वो फिगर मालूम हुई जो कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाकायदा बनाते तो जो हासिल होती देखिए जो बाकायदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट है वो ऑनर्स इक्विटी में शामिल किया जाता है तो ऑनर्स इक्विटी में अगर सारी बातें हमें मालूम हैं तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास नेट प्रॉफिट ही की होगी ठीक है जी यहां तक की बातें हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ सीखी थी और लास्ट में आकर मैंने एक बात यह कही थी कि हमें जो बाकी की चार इंफॉर्मेशन मौजूद होंगी उनमें से एक लास्ट इंफॉर्मेशन क्लोजिंग ऑनर्स इक्विटी भी मालूम होगी हम दरअसल यह बात कर रहे थे उस वक्त कि एक छोटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस इंतहाई स्मॉल स्केल बिजनेस एंटिटी के ऑनर को मालूम होता है कि उसने कितने कैपिटल से कारोबार शुरू किया था उसको मालूम होता है कि उसने ड्यूरिंग द ईयर कितना फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था और एक बात हम उसे कहते हैं कि जी आपने हम कौन है हम इस वक्त अकाउंटिंग कंसल्टेंट्स हैं ठीक है ना हम उस स्मॉल बिजनेस एंटिटी के ऑनर को कहते हैं कि जी आपने ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ड्राइंग्स अपने पर्सनल यूज के लिए करनी है उसको रिकॉर्ड कर लेना बस और उसके लिए आसान तरीका यह है कि पर मंथ जो आप लें वो फिगर आप लिख लिया करें और एक साल के बाद पता चल जाएगा कि टोटल आपने कितनी ड्राइंग्स की और रह बात अब क्लोजिंग कैपिटल की यानी कि क्लोजिंग डेट पर ओनर्स इक्विटी के बैलेंस की तो वो मैंने कहा था कि सस्पेंस है ठीक है वो सस्पेंस आज ब्रेक करेंगे हम इंशाल्लाह देखिए हमने लास्ट लेक्चर में एज्यूम किया था हमारी जो आखिरी बात थी कि ये उस एंटीटी का पहला साल है अब पहले साल में ओपनिंग कैपिटल उसको याद है फ्रेश कैपिटल भी याद है ड्राइंग्स हमने कहा जी मेंटेन कर लो और पहले साल के एंड पर हम कह रहे हैं कि क्लोजिंग कैपिटल मालूम हो ही जाया करता है। अब देखिए यहां पर कंसल्टेंट अपना नॉलेज अपना एक्सपोजर इस्तेमाल करेगा और उस स्मॉल बिजनेस एंटिटी के ऑनर से कुछ सवाल पूछ लेगा फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक फोटोग्राफर की अब फोटोग्राफर जो है उसने एक बिजनेस शुरू किया एक छोटी सतह पर अब उसके पास कारोबार को शुरू करने के लिए सिवाय कैश रिसोर्सिस के और कुछ नहीं था एज्यूम करते हैं कि जी उसने एक इंतहा छोटी सतह पर जब कारोबार शुरू किया तो उसके लिए उसको एक शॉप रेंट पर लेना थी कुछ फिक्सचर की जरूरत थी कुछ फर्नीचर की जरूरत थी और एकमेंट में कैमरा और एक लेबॉरटरी इसकी उसे जरूरत थी अब इन सारी चीजों के लिए इनिशियली उसने सोचा कि टू हंड्रेड से मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं अब वो जो अकाउंटिंग कंसल्टेंट है उस ऑनर से उस फोटोग्राफर से पूछेगा कि जी आपने उस 200,000 हंड्रेड से क्या कुछ परचेज किया और क्या कुछ इस्तेमाल किया उसका आपने वो उस इंटरव्यू में जो कुछ भी एसेट से मुतलिक इंफॉर्मेशन होगी उसको नोट no डाउन करना शुरू कर देगा इक्विपमेंट इतने का परचेज किया फर्नीचर इतने का परचेज किया फिक्सचर्स के लिए ये कॉस्ट इनकर की लैब इक्विपमेंट के लिए कॉस्ट इनकर की और अगर उसने ड्यूरिंग द ईयर कोई लोन लिया होगा तो वो भी उसे इंक्वायर कर लिया जाएगा तो अब देखिए कि हमारे पास क्लोजिंग ऑनर्स इक्विटी को मालूम करने के लिए एक इक्वेशन मौजूद है एंड दैट इक्वेशन इज एसे माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी तो हम उससे इंक्वायर कर रहे हैं कि आपके पास सारा साल कितने एसेट्स रहे और क्या साल के दौरान में आपने कोई लोन लिया और अल्टीमेटली हम पहुंच गए एक क्लोजिंग कैपिटल की फिगर पर आप इस वक्त स्लाइड पर देखिए मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट शो कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एसेट्स हैं फर्नीचर फिक्सचर एकमेंट्स स्टॉक डेटर्स कोई प्री पेड एक्सपेंसेस बैंक बैलेंस एंड कैश और इसी तरह से लाइबिलिटीज हैं जिसमें कि कोई लोन लिया हुआ है या कोई क्रेडिटर्स हैं हमने उधार पर चीज़ें परचेज की हुई हैं या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस पेबल हैं और हमारे पास नेट जो बैलेंस निकल रहा है उसको हम कह रहे हैं ऑनर्स इक्विटी या नेट एसेट्स आपने ये चीज देखी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का नेट नजर आ रहा है इनफैक्ट यही कुछ तो बैलेंस शीट में था लेकिन बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो मालूम होगा कि बैलेंस शीट टेल्सास दाइनेंशियल पोजिशन ओवन एंटिटी आप अगर बैलेंस शीट के फॉर्मेट को जहन में लेकर आएं तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलती थी बल्कि बैलेंस शीट में हम एसेट्स को बराबर रखते थे ऑनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के ये दरअसल है क्या चीज ऑल दिस इज एन इक्वेशन विच टेल्स अस अबाउट द रिसोर्सिस एंड सोर्सिस ऑफ एन एंटिटी रिसोर्सिस मीनस आप आसानी के लिए इसको समझिए रिसोर्सेज एसेट्स हैं और सोर्सेज हैं कि वो एसेट्स कैसे बने फॉलो कीजिएगा इस पॉइंट को एसेट्स रिसोर्सेज हैं और सोर्सेस क्या है कि वो एसेट कैसे बने एसेट को बनाने के लिए ऑनर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया और कुछ बोरो किया कुछ लाइबिलिटीज है हमारी सो बैलेंस शीट में हम पूरी फाइनेंशियल स्टेटस फाइनेंशियल पोजिशन की बात कर रहे होते हैं कि जी फाइनेंशियल पोजिशन ये है कि हमारे एसेट्स जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बनाने के लिए Owner की तरफ से इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन है और लाइबिलिटीज ये हैं आर इक्वल टू द सोर्सेज अब इसी चीज को बेस करके हम देखते हैं कि एसेट्स को बनाने के लिए हमारी लाइबिलिटीज तो इतनी है ओनर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ तो वो सोर्सेस दो जो हैं उनमें से एक सोर्स मालूम है दूसरा सोर्स मालूम नहीं है तो उसको मालूम करने के लिए व्हाट वी विल डू विल सिंपली सब्ट्रैक्ट एक सोर्स आउट ऑफ द टोटल रिसोर्सेज ठीक है यानी कि टोटल रिसोर्सेज एसेट्स में से वो एक सोर्स जो है कौन सा लाइबिलिटीज का उसको जब लेस करेंगे तो विल गेट द अदर सोर्स

स शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बुनियादी फर्क क्या तो जी हम बात करते हैं दोबारा से क्लोजिंग डेट पर ऑनर्स इक्विटी की अब जब क्लोजिंग डेट पर हमें तो हम मौजूद तमाम जो कि अभी मैंने आपको कहा कि अकाउंटिंग कंसल्टेंट ने उस ऑनर से इंटरव्यू करके मालूम कर लिए और तमाम लायाबिलिटीज जो कि अगेन उसने उससे इंटरव्यू करके मालूम कर लिया माम लायबिलिटीज़ को जब तमाम एसेट्स में से माइनस करेंगे तो विल गेट इक्विटी। यहां पर अब चंद एक बातें ऐसी हैं जो कि उस अकाउंटिंग कंसल्टेंट की प्रोफिशिएंसी पर बेस करती हैं। फॉर एग्जांपल दट ऑनर इज टेलिंग अस के आई वॉट दिस कैमरा फॉर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ठीक है जी वो कैमरा पचास रुपए का उस ऑनर ने परचेज किया उस बिजनेस के लिए एक अहम इक्विपमेंट है अब ये अकाउंटिंग कंसल्टेंट जो है उसकी प्रोफिशिएंसी है कि वो समझे कि पूरा एक साल ये कैमरा इस्तेमाल हुआ है लिहाजा इसकी डिप्रीसीशन इसमें से माइनस होना चाहिए और इसको अब एक साल के बाद हम नेट बुक वैल्यू पर लेंगे फॉलो कर रहे हो अब उसको तो डेप्रीसी का नहीं पता उसको तो तस्वीर अच्छी बनाने का फन आता है उसको बैलेंस शीट बनाने का फन नहीं आता ठीक है उसके लिए उसने बैलेंस शीट के बनाने के लिए या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मालूम करने के लिए कंसल्टेंट की सर्विसेज हासिल की हुई है और वो कंसल्टेंट बता रहा है कि जी आप के एसेट की डेप्रिसिएशन भी होना चाहिए अब उसको नहीं मालूम कितनी होना चाहिए कंसल्टेंट खुद ही इसको देखेगा कि ये कैमरा कितनी यूजफुल लाइफ रखता है अब वो यूजफुल लाइफ उसके इस्तेमाल पर चूंकि बेस करती है लिहाजा वो पूछ लेगा जी कि आप इसको किस लेवल पर इस्तेमाल करते हैं क्या इंडोर शूटिंग है या आउटडोर शूटिंग भी आप इससे कर रहे हैं टेक्निकल बातें तमाम उसके अंदर शामिल करके उसका पैटर्न ऑफ बेनिफिट देखते हुए उस पर डेप्रिसिएशन मेथड को अप्लाई करते हुए अब ये सारी बातें आपने अकाउंटिंग वन अकाउंटिंग टू में पढ़ ली हुई हैं इसलिए एडवांस्ड अकाउंटिंग में इस टॉपिक को रखा है कि इसके अंदर पिछली जितनी भी बातें आप पढ़ चुके हैं वो शामिल होती हैं तो वो डिप्रीसीशन के तमाम रूल्स को अप्लाई करते हुए उस कैमरा की डेप्रीसीशन कैलकुलेट की जाएगी और उसको फिर कॉस्ट में से माइनस करके नेट बुक वैल्यू या जिसे रिटर्न डॉन वैल्यू भी आप कह सकते हैं उसको स्टेटमेंट ऑफ फेयर में शामिल किया जाएगा कि जी इतनी नेट बुक वैल्यू के एसेट हमारे पास मौजूद है सेम विल भी अप्लाइड ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड अदर एसेट्स एज वेल कि जो भी हमारे पास फिक्स एसेट्स होंगे उन फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन उसमें से लेस कर दी जाएगी फिर एक और जगह पर कंसल्टेंट की प्रोफिशंसी रिक्वायर्ड है वो ये कि अब वो थोड़ा सा इंक्वायर करे रिगार्डिंग एक्वल कॉन्सेप्ट जी एक्रूवल्स क्या हैं सबसे बड़ी एक रूवल जिसकी मालूम होना जरूरी है वो है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टर्म्स एंड यू नो वेरी वेल कि आर द क्रेडिट सेल्स विच कॉज क्रिएशन ऑफ डेटर्स तो मालूम यह हुआ कि अब वहां पर हमें क्लोजिंग डेट पर डेटर्स भी मालूम होना चाहिए और डेटर्स मालूम करने के लिए वो बाकायदा डेटर्स का लेजर अकाउंट कोई रिक्वायर्ड नहीं होगा बल्कि सिंपली जो क्लोजिंग डेट पर इन्वाइसिस रिसीवेबल हैं वो डेटर्स ही तो हैं ठीक है ना तो जब तक वो डेटर्स मालूम नहीं होंगे हमारे टोटल एसेट्स कंप्लीट नहीं होंगे लिहाजा हमें डेटर्स का बैलेंस मालूम करना होगा अब वो क्वालिफाइड अकाउंटेंट जो कंसल्टेंट हैं, वो ऑनर को कह रहे होंगे कि जी आप बताइए आपकी क्लोजिंग डेट पर कोई इनवाइसिस रिसिवेबल तो नहीं है वो okay, हाँ जी हाँ जी मैंने एक फंक्शन शूट किया था उनसे मैंने कुछ पैसे भी लेने हैं उन्होंने सिर्फ एडवांस पेमेंट की थी अभी फाइनल बिल जो है मैंने उन्हें भेजा हुआ है वो रिसीवेबल है तो वो रिसीवेबल एसेट में आ जाएंगे ठीक है ना तो यूं हमारे पास डेटर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे अब इसी तरह से आप अगर बात करें बाकी के एसेट्स की तो उसमें आपको कुछ प्री पेड एक्सपेंसिस की फिगर भी रिक्वायर्ड होगी अब अगेन ये सारी टेक्निकल बातें उस कारोबार के ओनर को तो मालूम नहीं है ये आपने ही इन तमाम चीजों को मालूम करना है और आप कौन है यस क्वालिफाइड अकाउंटेंट ठीक है और यू आर द कंसल्टेंट ठीक है तो आपने ये सारी चीजें जब मालूम करनी है उससे किससे जी ऑनर से तो ऑनर को आपने कहना है कि अब आप ये भी बताइए कुछ एक्सपेंसिस ऐसे तो नहीं जो कि आपने एडवांस पे कर रखे हैं फॉर एग्जाम्पल उस सतह के बिजनेस में मुमकिन है कि रेंट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द शॉप एडवांस पे कर रखा हो तो वो फिर प्रीपेड एक्सपेंस के तौर पर एक एसट बनता है ओके लिहाजा ये सारी चीजें बाकी कैश इन हैंड कैश एट बैंक और स्टॉक अगर उसके पास कुछ पड़ा हुआ है उस शॉप में जैसे कि उसने हो सकता है ये फिल्म रोल और कुछ उसकी लेबोरेटरी से मुतल मटेरियल जो है वो स्टॉक में पड़ा हो उसको भी आप काउंट कर लेंगे तो अब ये सारी चीजें जो हैं ये तमाम की तमाम चीजें उसके एसेट के तौर पर ही है ना लिहाजा अब आप तो ये जानते हैं वो नहीं जानता आपने तमाम की तमाम एसेट्स को टोटल किया और टोटल करके आप इसमें से अपनी लाइबिलिटीज की तरफ आना है लाइबिलिटीज में मोटी लाइबिलिटी तो वो लोन है लेकिन जो आपको मालूम है उसको मालूम नहीं है लाइबिलिटी के बारे में वो है एक अब वो एक क्रेडिट परचेजेस से मुतक भी हो सकती है और कुछ एक्सपेंसिस भी एक हो सकते हैं हो सकता है कुछ मटीरियल उसने परचेज किया हो जिसके अभी तक पैसे ना दिए हों दीज आर द क्रेडिटर्स आप उससे मालूम कर लेंगे वो आपको बता देगा अब ये देखिए सब कुछ इंटरव्यू बेस्ड है आपको क्लोजिंग डेट पर इंटरव्यू करना पड़ेगा तब जाकर आप एसेट्स और लाइबिलिटीज की ठीक पिक्चर क्लियर कर सकेंगे अब आपने उससे एक्सपेंसेस की एक मालूम करनी है हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई स्टाफ सैलरी क्लोजिंग डेट से मुतल अभी तक पेएबल हो अब ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर तो है ना आपको कि एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं डेटर्स क्या होते हैं क्रेडिटर्स क्या होते हैं स्टॉक कैलकुलेशन क्या है स्टॉक वैल्यूएशन क्या है ये सारी बातें पहले आप पढ़ चुके हैं अब ये बातें कंपाइल हो रही हैं और फिर अप्लाई हो रही है एक उस कंसर्न पर जिसकी आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है लेकिन इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है यू कह लीजिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल नहीं है तो जी आपने तमाम एसेट्स और तमाम लाइबिलिटीज जब मालूम कर लिए तो आप बताइए कि ऑनर्स इक्विटी का बैलेंस मालूम होगा या नहीं डेफिनेटली मालूम हो जाएगा तो वो ऑनर्स इक्विटी का क्लोजिंग डेट का बैलेंस उसमें हम ड्रॉइंग्स को प्लस करेंगे ओपनिंग डेट के कैपिटल को या ऑनर्स इक्विटी के बैलेंस को माइनस करेंगे ड्यूरिंग द इयर अगर फ्रेश कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया उसको माइनस करेंगे तो द एंड रिजल्ट विल बी द अमाउंट ऑफ नेट प्रोफिट अब एक मरतबा ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑनर्स इक्विटी आ गया यही क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑनर्स इक्विटी क्या होगा जी अगले साल का ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑनर्स इक्विटी और फिर उस अगले साल के सिलसिले चल पड़ेंगे और नेक्स्ट ईयर के एंड पर जाकर दोबारा हम एक इंटरव्यू होल्ड करेंगे और उससे हमें क्लोजिंग बैलेंसेस मालूम हो जाएंगे उस साल के ठीक बात है यह थी बात सारी की सारी प्रैक्टिकली सिंगल एंट्री किस तरह से अप्लाई होती है एक स्मॉल बिजनेस एंटिटी में आपके एग्जाम में आपको यह तो नहीं कहा जाएगा कि कह जी इंटरव्यू करो लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हुए हैं बिखरे हुए तो उनसे हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज से हम हासिल करना चाह रहे हैं ऑनर्स इक्विटी का बैलेंस हो सकता है आपका एग्जामिनर आपको ओपनिंग डेट पर भी कैपिटल की फिगर देने की बजाय या ऑनर्स इक्विटी की फिगर देने की बजाय ओपनिंग डेट पर एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंस दे दे देखिए एक मरतबा फिर स्क्रीन आपको नजर आ रहा है कि यहां पर अब ओपनिंग और क्लोजिंग दो कॉलम्स नजर आ रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के ये मसला किस सूरत में पेश आएगा जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑनर्स इक्विटी ना दिए गए हों तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग दोनों बनाएंगे मैंने यहां पर इसको टू इन वन कर दिया लिहाजा एंड रिजल्ट पे ही मैं बात करता हूं बाकी इंफॉर्मेशन इस पर लिखी हुई है लाइक फिक्स एसेट्स जो होंगे नेट ऑफ डेप्रिसिएशन होंगे डेटर्स इस सतह पर डेटर्स की प्रोविजन एज सच कोई रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया कि हो सकता है कोई एग्जामिनर आपसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में भी बात कर ले तो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में मालूम हो कि वो तो डेटर्स में से माइनस की जानी चाहिए यहां पर जिस बात की एहतियात करनी है आपने एज एन एग्जामिनी एज ए स्टूडेंट वो ये है कि क्लोजिंग डेट पर आपने डेप्रीसिएशन को जरूर लेस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को जरूर लेस करना है और तमाम वो एडजस्टमेंट्स जो से हैं, वो जरूर आपने अकाउंट फॉर करनी है क्लोजिंग डेट पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हुए हाँ ओपनिंग डेट पर जो बैलेंस दिए हुए उसे एज इट इज लिख देना ओपनिंग डेट पर आपने किसी एडजस्टमेंट को टच नहीं करना यह बात मैं कर रहा हूं आपसे कि आपने एक स्टूडेंट की हैसियत से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना ठीक है सो so आप दोबारा देख लीजिए स्लाइड पर आपको नजर आ रहा है कि हमने ओपनिंग और क्लोजिंग जो दो कॉलम बनाए उनका एंड रिजल्ट ऑनर्स इक्विटी है इस ऑनर्स इक्विटी के साथ मैंने नेट एसेट भी लिख दिया ये नेट एसेट क्यों कहा जाता है इसे अब याद रखिएगा अब इसी एक बैलेंस से मुतलक आपकी वोकेबलरी में तीन वर्ड्स हैं एक बचपन में आपने कैपिटल पढ़ा फिर ऑनर्स इक्विटी को कैलकुलेट किया और आज मैं आपको नेट एसेट भी कह रहा हूं क्या चीज है एसेट्स में से जब को लेस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो नेट एसेट कहलाता है और वही रिजल्ट हमारा ऑनर्स इक्विटी ही है और उसी को गलत उलाम आप कैपिटल भी कह सकते हैं मैं अब आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं जिस बात पर एम्फरसाइज करूंगा वो है कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग्स और उसके बाद फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें हम एम्फरसाइज करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑनर्स इक्विटी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार हैं सिर्फ इसी तरह से तैयार नहीं मुझे तैयारी रिक्वायर्ड है जिसमें आपके पास यस बॉल पॉइंट हो नोटबुक हो और कैलकुलेटर हो नहीं है तो फौरी तौर पे अरेन्ज करें कॉल करें भाई को या जो भी आपके घर में आपकी खिदमत के लिए मौजूद है कि जी कैलकुलेटर लेकर आए ठीक है और फिर आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब देखिए स्लाइड पर आपको नजर आ रहा है एक क्वेश्चन जिसमें कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है थर्टी ऑफ दिसंबर टू का एटीन थाउजेंड और 1st ऑफ जनवरी 2007 का कैपिटल बैलेंस 19200 रुपीस ऑबवियसली 19200 जो है ये ओपनिंग बैलेंस है और 18700 जो है ये क्लोजिंग बैलेंस है मजीद जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि लोन दिया था 3500 रुपीस का आपने भाई को बिजनेस में से पैसे निकाल कर और थ्री हंड्रेड रुपीज पर मंथ अपने जात पर खर्च कर रहा है वो मंथली वन हंड्रेड रुपीज पे कर रहा है अपने एक फैमिली मेम्बर को डेफिनेटली ये भी उसका एक पर्सनल एक्सपेंस है और उसके घर के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर मंथ हैं टेन रुपीज जो कि बिजनेस अकाउंट में से अदा किए जाते हैं आप देख रहे हैं कि ये जो हमने लिस्ट बोली अभी ये सारे के सारे उसके पर्सनल एक्सपेंसेज हैं अगर वो भाई को कर्ज दे रहा है बिजनेस में से पैसे निकाल कर तो ये उसका जाती मसला है बिजनेस का अकाउंटेंट यही समझेगा कि उसने बिजनेस में से अपने जाति इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले अगर वो अपने खर्चे के लिए पैसे निकाल रहा है तो ये भी उसकी जाती ड्राइंग्स हैं और अगर वो अपने फैमिली मेंबर को मंथली कुछ पैसे दे रहा है तो ये भी उसकी ड्राइंग्स ही कंसिडर होंगे और अगर वो अपने बिजनेस अकाउंट में से उसका पर्सनल यूटिलिटी एक्सपेंस पे हो रहा है तो वो भी कंसीडर होगा अब जो मजीद उसने इस सवाल में है, वो ये है के उसके पर्सनल रिसोर्सिस तौर पर वो टू थाउजेंड रुपीज की थी वो उसने मार्केट में सेल कर दी और उस पर थ्री परसेंट उसको प्रीमियम मिला यानी कि वो टू थाउजेंड रुपीज की उसकी पर्सनल एसेट्स या पर्सनल रिसोर्सिस बिजनेस में आ रहे हैं यहां पर थोड़ा सा बात को कॉम्प्लेक्स ये किया गया है कि टू थाउजेंड रुपीज की जो उसकी पर्सनल रिसोर्सिस थे वो जब उसने मार्केट में बेचे थ्री परसेंट प्रीमियम उस पर मिला अब वो थ्री परसेंट प्रीमियम के साथ जो अमाउंट बनेगी टू थाउजेंड प्लस थ्री परसेंट थ्री परसेंट आपका बनता है सिक्सटी रुपीज वो 60 उसमें प्लस करें तो टू थाउजेंड एंड सिक्सटी रुपीज उसने बिजनेस को दिए फ्रेश कैपिटल के तौर पर क्लियर तो वो टू थाउजेंड की पर्सनल उसकी सिक्योरिटीज जब मार्केट में बिक रही है टू थाउजेंड सिक्सटी मिल रहा है वो बिजनेस में आ रहा है आइए दोबारा स्लाइड को देखते हैं अब आप एक दोबारा एक डाटा देख लीजिए जिसमें के ये स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन हम कंपाइल कर लेंगे आप इस वक्त देख रहे हैं सबसे पहली जरूरत जो हमें कंपाइल करने की है वो है ड्राइंग्स की अमाउंट वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है उसका आप देखिए वर्किंग नोट हमें 3500 जो के उसने भाई को कर्ज के तौर पर दिया फिर जो उसके पर्सनल एक्सपेंसिस हैं 300 हंड्रेड पर मंथ दिवस हंड्रेड रुपीज फिर वो जो अपने फैमिली मेंबर को पॉकेट मनी के तौर पर कुछ पैसे दे रहे हैं पर मंथ यानी कि 100 इंटू ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज और फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो उसके घर के हैं और बिजनेस पे कर रहा है तो जी टोटल इसका बनता है 8420 थाउजेंड रुपीज ये ड्राइंग्स हो गई और साथ ही साथ इसमें जो बातें आसान हुई है वो है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स ओपनिंग बैलेंस 19,200 एंड क्लोजिंग बैलेंस 18,700 और एक चीज जो बहरहाल फिर आपको कैलकुलेट करना थी वो थी टू थाउजेंड एंड सिक्स रुपीज की फ्रेश कैपिटल की अमाउंट सर so जी अब हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसंबर टू थाउजेंड सेवन तो देखिए इसमें हम शुरू करेंगे क्लोजिंग कैपिटल यानी कि क्लोजिंग ऑनर्स इक्विटी से वो है एटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड रुपीज की प्लस करेंगे इसमें हम ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वो है की। और हम से लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल एंड ट्वेंटी तो ये बन जाएगा हम ये जब हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर थाउजेंड एट जी ये तो आपको एक सा क्वेश्चन सॉल्व करवाया जिसमें कि हमने ड्राॅंग्स को कैलकुलेट करने पर किया था अब एक और छोटा सा सवाल जिसमें कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाएंगे पहले एक सादा सी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपसे बनाऊंगा और उसके बाद फिर एक कॉम्प्लेक्स लेकिन वो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा वो आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा ताकि आप खुद से घर में उसको सॉल्व कर सकें आइए जी स्लाइड पर क्वेश्चन हमारे सामने है अब देख रहे हैं जी के हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है ओपनिंग डेट यानी कि फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2007 के जिसमें हमें एसेट्स बताए गए हैं फर्नीचर स्टॉक डेटर्स एंड कैश और लाइबिलिटीज में हमें बताया गया है क्रेडिटर्स एंड एक्रूड एक्सपेंसेस से मुतक यही इंफॉर्मेशन क्लोजिंग डेट पर भी मौजूद है यानि कि थर्टी ऑफ मार्च टू जिसमें कि फर्नीचर स्टॉक और डेटर्स के साथ हमें एक प्री पेड रेंट भी नजर आ रहा है 400 रुपीस का और उसके बाद फिर कैश और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स एंड एक्रूड एक्सपेंसेस की अमाउंट गिवन है इसी सवाल में जो ड्राइंग्स दी हुई है, हैं वो फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज की है कैश में और गुड्स जो उसने पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ की हैं वो हैं सिक्स हंड्रेड रुपीज की सो मालूम क्या हुआ के टोटल ड्राइंग्स की होने जा रही हैं इस क्वेश्चन में फिर वो कह रहा जी के कुछ उसने घर का फर्नीचर जिसकी वैल्यू टू थाउजेंड थी वो उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया तो ये क्या होगा फ्रेश कैपिटल ठीक है वो पर्सनल रिसोर्सिस बिजनेस को दे रहा है so, सो ये बड़ा सिंपल सा डाटा है जो कि आपको दिया गया इसमें ड्राइंग्स दो तरह की हैं एक कैश और एक गुड्स की सूरत में और एक छोटी सी बात और जो आपको इसमें बताई गई वो ये कि जरूरी नहीं कि बिजनेस में कैश ही की शक्ल में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए कोई भी रिसोर्सेज कोई भी रिसोर्सेज जो उसके पर्सनल हैं उनको वो बिजनेस में कैपिटल के तौर पर ले आ सकता है लिहाजा लाइक फर्नीचर वो लेकर आया अपने घर के इस्तेमाल का फर्नीचर उसने कहा जी मैं अपने बिजनेस को दे छोटा सा बिजनेस है वो छोटा सा बिजनेस घर के फर्नीचर से कई फायदे उठा सकता है लिहाजा वो फर्नीचर उसने ट्वेंटी वन हंड्रेड का जब बिजनेस को दिया तो वो उसका फ्रेश कैपिटल कहलाया इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जो काम आपने करना है वो है ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की फिगर्स को तलाश करने का आइए जी स्क्रीन पर हम देखते हैं टू इन वन आपको इस वक्त आ रही है एक फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2007 का और दूसरा थर्टी ऑफ मार्च 2008 थाउजेंड एट फर्नीचर हमारे पास ओपनिंग डेट को सिक्स का और क्लोजिंग डेट को नाइन का स्टॉक 30, का था डेट को फोर्टी थाउजेंड एंड नाइन हंड्रेड जबकि और क्लोजिंग डेट को फोर हंड्रेड रुपीज का और कैश इन ओपनिंग डेट को सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी और क्लोजिंग डेट को उजेंड फाइव हंड्रेड एंड एटी रुपीज सो यू टोटल एसेट्स ओपनिंग डेट को हमारे पास आए सेवेंटी थाउजेंड रुपीज के और क्लोजिंग डेट को हमारे पास आए नाइनटी थ्री थाउजेंड एंड टू हंड्रेड रुपीज अब आप देखिए इसमें लाइबिलिटीज ओपनिंग क्रेडिटर्स सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और क्लोजिंग बैलेंस एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसी तरह से एक ओपनिंग डेट पर हमारे पास है थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज के और क्लोजिंग डेट पर हमारे पास है फोर्टी थ्री हंड्रेड रुपीज ले हमने मालूम करना है बैलेंस ऑनर्स इक्विटी का ओपनिंग लाइबिलिटीज बनती है तो हमारे पास कैपिटल आ गया फिफ्टी थाउजेंड रुपीज अब इसे साथ ही आप कहें कि ऑनर्स इक्विटी और साथ ही आप कहें कि हमारे नेट एसेट्स हैं लिहाजा इधर हेडिंग में आपको सिर्फ कैपिटल नजर नहीं आएगा बल्कि साथ ऑनर्स इक्विटी और नेट एसेट्स भी नजर आएंगे और दूसरी तरफ जब हमने क्लोजिंग लाइबिलिटीज को लेस किया क्लोजिंग एसेट्स में से तो हमारे पास ऑनर्स इक्विटी का या नेट एसेट्स का या कैपिटल का जो बैलेंस आ रहा है वो सेवनटी थाउजेंड थ्री हंड्रेड रुपीज का आ रहा है लेकिन जी ये तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई क्लोजिंग कैपिटल कितना है ओपनिंग कैपिटल कितना है ड्राइंग्स कितनी है फ्रेश कैपिटल कितना है आइए अब हम कंपाइल करें इसको किस शक्ल में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की सूरत में देखिएगा स्लाइड पर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एट स्टार्ट होगी ऑनर्स इक्विटी का बैलेंस ऑन क्लोजिंग डेट पर इसको अब आप नेट एसेट्स ऑन क्लोजिंग डेट भी कह सकते हैं 70, 300, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं ड्राइंग्स जो कि टोटल बन गई फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसमें आपको मालूम है कि कैश ड्राइंग्स फिफ्टीन थाउजेंड की और गुड्स की ड्राइंग्स 600 की हैं और लेस करेंगे इसमें से हम फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईयर 2100 दर का और ओपनिंग कैपिटल 50,000 थाउजेंड का सो so, टोटल आ गया जी 52,100 रुपीज वो लेस किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट फॉर ईयर की फिगर आ गई थर्टी एंड एट हंड्रेड सो आपने देखा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमें देती हैं नेट एसेट का बैलेंस या ओनर सिक्योरिटी का बैलेंस वंस जब वो कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर दोबारा से सवाल उसी तरह से सीधा हो जाता है अब एक थोड़ी सी मैंने कॉम्प्लेक्स बात आपसे करनी है जो कि आपने खुद से रिजोल्व करनी है। वो बात ये है कि आप इस फर्नीचर एंड फिक्सर इसी इन इन द सेम क्वेश्चन फर्नीचर एंड फिक्सचर सब्जेक्ट टू डेप्रीसिएशन टेन परसेंट रखेंगे और डेटर्स के लिए आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे अप टू फाइव परसेंट बस इतनी सी बात मैंने आपको इस सवाल के अंदर एडिशनल बता दी आप नोट कर लीजिए स्लाइड पर भी देख लीजिए फर्नीचर एंड फिक्सर इज सब्जेक्ट टू ए डेप्रीसिएशन ऑफ टेन परसेंट पार एन एम एज्यूमिंग

टिप ले लीजिए कि आपने इस सवाल में मौजूद क्लोजिंग डेट पर जो फर्नीचर एंड फिक्सर का बैलेंस है उस पर आपने 10% परसेंट डेप्रीसिएशन रेट अप्लाई करके डेप्रीसिएशन की अमाउंट मालूम करनी है और उस डेप्रीसिएशन को आपने क्लोजिंग डेट पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में फर्नीचर की फिगर में से लेस करके फिर शो करना के और इन द सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द डैटर्स ठीक है ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द डेटर्स विच इज फाइव परसेंट क्योंकि इससे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है एग्जैक्टली exactly यही हमारे पास प्रोविजन इस साल की बनेगी याद है ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आपने पहले पढ़ा हुआ ठीक है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जो अमाउंट आएगी उसको डेटर्स में से माइनस करेंगे डेटर्स का फिर जो नेट ऑफ प्रोविजन बैलेंस आएगा उसको आप क्लोजिंग डेट की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एसेट्स में शामिल करेंगे इस दिस क्लियर और फिर जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग डेट की आपको बैलेंस देगी नेट एसेट का या ऑनर्स इक्विटी का वो बैलेंस आप यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ठीक है ये सिर्फ मैंने आपको टिप दी है क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना जी, ये जो बातें हमने सीखी ये तमाम उस एक छोटी सी बिजनेस एंटिटी से मुतल थी जिसमें अकाउंटेंट नहीं है कोई भी वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतनी छोटी सी बिजनेस एंटिटी है अब हम जो बातें करने लगे हैं वो एक मीडियम स्केल बिजनेस एंटिटी की बातें करने लगे अब याद रहे कि ये वो बिजनेस एंटिटी है जो फुल फ्लैश अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकती हां अलबत्ता दिस बिजनेस एंटिटी कैन अफोर्ड अ सेमे क्वालिफाइड अकाउंटेंट विल बी गाइडेड, हु विल बी डायरेक्टेड बाय अगेन द कंसल्टेंट वो जो अकाउंटिंग कंसल्टेंट होगा वो कहेगा जी कि आपने ये ये इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो यानी कि दिस एम क्वालिफाइड अकाउंटेंट विल नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर रिपोर्टिंग ठीक है इसका काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाने का नहीं होगा हाँ अलबत्ता ये कुछ रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करेगा तो हम अभी बातचीत करेंगे कि ये अकाउंटेंट किस किस्म के रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा और वो रिकॉर्ड्स किस तरह से हेल्पफुल होंगे उस अकाउंटिंग कंसल्टेंट के लिए फाइनली इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम आपके सामने आने लगा आपने अभी तक इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए बुनियाद बनाया था ट्रायल बैलेंस को लेकिन अब जो बात मैं आपसे करने वाला हूं उसमें कोई ट्रायल बैलेंस नहीं है लेकिन फिर भी वो जो अकाउंटिंग कंसल्टेंट है वो आपको इन चंद इंफॉर्मेशन से इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाकर देंगे यानी कि आप खुद इन चंद इंफॉर्मेशन से इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाने के काबिल होंगे तो जी ये चंद इन्फॉर्मेशन क्या है देखिएगा स्लाइड पर आपको नजर आ रहा है कि इसमें कैश बुक होगी जिसमें के कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों होंगे इसमें डेटर्स का रिकॉर्ड होगा इसमें क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड होगा ये तीन इंफॉर्मेशन वो हैं जो कि सेमी क्वालिफाइड अकाउंटेंट को रिक्वायर्ड होंगी बनाना यानी कि कहा जाएगा जी कि आपने कैशबुक मेंटेन करनी है जिसमें कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों आ जाते हैं कहा जाएगा जी कि आपने डेटर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है जिसको अल्टीमेटली समरी फॉर्म में आप टोटल डेटर अकाउंट कहेंगे और कहा जाएगा जी कि क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है जिसको आप में जो मौजूद होंगी उस कंसल्टेंट के पास इंफॉर्मेशन वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगी ओपनिंग डेट की क्योंकि लास्ट ईयर वो काम कर चुका है आपके बिजनेस का और कुछ ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होंगे ले जी कुल मिलाकर पांच बातें बनती हैं कौन सी कैश बुक टोटल डेटर्स अकाउंट टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग डेट एंड ईयर एंड एडजस्टमेंट्स इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की मौजूदगी में जिनमें के पांच बातें मौजूद हैं पांच कैलकुलेटेड फिगर्स मौजूद हैं या पांच अकाउंट्स मौजूद हैं या पांच एरियाज़ हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो आपके पास मौजूद हैं उनसे आप पूरी इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं कोई ट्रायल बैलेंस नहीं है तो बात हो गई ना कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स और यही वो इंफॉर्मेशन है जिसको हम

अकाउंट से मुताबिक पता होना चाहिए कि डेटर्स को कब डेबिट और कब क्रेडिट करना यानी कि उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं लिया जा रहा जैसे कि डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता था डेटर्स को डेबिट किया जाता था वो सेल्स अकाउंट तो मेंटेन ही नहीं हो रहा सिर्फ डेटर्स के डेबिट को इफेक्ट दिया जा रहा इसी तरह से क्रेडिट परचेजेस में क्रेडिटर्स को इफेक्ट दिया जा रहा है सिर्फ परचेजेस को नहीं तो वो सेमे क्वालिफाइड अकाउंटेंट सिंगल सिंगल इफेक्ट देते हुए एक इंफॉर्मेशन आपको देता है जो कि इनकम्प्लीट है एंड वट यू हैव टू डू यू हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सो ये सिंगल एंट्री को कन्वर्ट करना है अब हमने डबल एंट्री में ताला, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा